अगर आपके पास सीएसी हेयरिंग एड है, उसका भी सेम यही तरीका है। वो अलबत्ता छोटा होता है, उसमें कर्व बना होता है, एक माइनर कर्व बना होता है, वो ही कोंचे वाला कर्व बना होता है जो हमारा हिस्सा पीछे की तरफ बड़ा होता है। तो ये कर्व जो बना होता है, ये हमेशा आपने अपनी तरफ रखना है, यानी अपने फेस की तरफ रखना है, और ये नंबर बाहर की तरफ हूँ। आपने इस तरीके से इसे लगा लेना है। अभी इसमें गैप नहीं है, ये नेचुरल फिटिंग है, और इसे पुलिंग वायर से रिमूव कर लें। अगर ये कर्व आपने लाइक इस तरह से रखा तो ये लग तो जाएगा, लेकिन फिटिंग नहीं होगी, गिर भी सकता है, फीडबैक भी आएगा, आप आवाज़ों में शोर रहेगा, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। कहीं भी इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना, क्योंकि ये अपने कर्व पे, अपने एंगल पे सही फिटिंग इसकी आई तो इसकी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी।